हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मजहर अली और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल जो एक एजुकेशन का चैनल है जिसमें हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज का टॉपिक भी एक अहम टॉपिक है जिसमें हम ये जान पाएंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा और हमें इस टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज के मुताबिक कैसे खुद को इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। मुख्तलिफ अदवार में तरक्की और तब्दीली के मुख्तलिफ सबब रहे हैं। दुनिया में तरक्की और तब्दीली का एक सबब टेक्नोलॉजी भी रही है। दुनिया ने आज तक जो भी तरक्की की है इसमें बहुत से उसके रीजंस हैं, असबाब हैं, मगर उनमें से एक सबब है टेक्नोलॉजी या एक रीजन है टेक्नोलॉजी जिसके बेस पे दुनिया ने तरक्की की है और आज के डिजिटल एज में वो कन्वर्ट हो चुकी है या ग्लोबलाइजेशन में वो कन्वर्ट हो चुकी है। ये टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया को इतने तेजी से तब्दील किया है, एक आम सी दुनिया को इन्होंने डिजिटल दुनिया बना ली है। ये टेक्नोलॉजी चाहे उस वक्त जो सिंधु सल्तनत या सिंध में जो पहला टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलपमेंट हुई जिसको व्हील कहते हैं, पहिया कहते हैं, वो पहिया बनने की सूरत में सामने आई हो या उसी सिंधु सल्तनत में वो ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल हुई हो। मीन आज से अबाउट 5 से 6 हजार साल पहले जो इस टेक्नोलॉजी का सिंध में इस्तेमाल किया गया वो व्हील की सूरत में या अपना इसमें ड्रेनेज की सूरत में जो इस्तेमाल किया गया वो भी एक टेक्नोलॉजी थी। यही टेक्नोलॉजी जो है काउंटिंग को आसान बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी ने अबाकस को बनाया हो या टेलीफोनिक जो रابطे थे या रابطों को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने टेलीफोन बनाया हो या उस वक्त एक फैक्स मशीन बनाया हो, मगर हुई उस वक्त भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। ये टेक्नोलॉजी जो मौजूदा दौर है इसका ये कंप्यूटर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हो या रोबोट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हो, मगर जो है ये रही टेक्नोलॉजी ही है। इसी टेक्नोलॉजी ने दुनिया में तब्दीलियां लाई हैं और जो है हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो अहम तब्दीलियां हैं उसका एक सबब ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि ऐसा इल्म या ऐसी एक नॉलेज जो किसी महारत से, हुनर से, फन से या मखसूस तरीकों और अमलों के जरिए हासिल की जाए और जिससे कोई नई चीज या औजार या टूल बनाया जाए। मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी का जो अहम किरदार रहा है, मतलब दुनिया में जो एक टेक्नोलॉजी की वजह से इनकलाब बरपा हुआ है वो हमारी है डिजिटल टेक्नोलॉजी या हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने दुनिया में मौजूद जो बुनियादी हमारे असास हैं उनकी फितरत या नेचर को भी तब्दील कर दिया है। पहले जो है जो चीजें थी या हमारे रिसोर्सेज थे, वसायल थे, वो मैनुअल तरीकों से इस्तेमाल होते थे, मगर अभी अगर आप देखें तो उन रिसोर्सेज की अक्सरियत ऑटोमेटिक तरीकों से इस्तेमाल हो रही है या खुदकार तरीकों से इस्तेमाल हो रही है। जबकि अभी तक जो है दुनिया का नक्शा तो वही है, मगर जो इनमें मौजूद जो हमारे रिसोर्सेज हैं या वसायल हैं और जो लोगों की फितरत और सोच है वो टेक्नोलॉजी तब्दील कर रही है। पहले लोग पैदल या जानवर को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्टेशन का जरिया उनका जानवर और मुख्तलिफ किस्म की बैलगाड़ियां ये होती थी, मगर अब उसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते थे। मगर अभी अगर आप देखें तो तेज रफ्तार गाड़ियों ने और इस दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तब्दील कर दिया है। अभी लोग पैदल नहीं जाते हैं मगर वो मुख्तलिफ किस्म की कोई ना कोई सवारी या ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके जो व्हीकल्स हैं वो मॉडर्न एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए हैं, जो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, वो मॉडर्न हो चुके हैं जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह
बहुत तेजी से और थोड़े वक्त में पहुंचा रहे हैं। एक जैसे ये वीडियो चलिए आप देखेंगे कि इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जो ऑटोमेटिक है, उसका तरीके से चल रही है, ऑटोमेटिक वे में चल रही है एंड वो कैसे चेक कर रही है। तो दिस इज अ रियली रिवोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स। इससे पहले जो हम लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते थे या हम लैंग्वेजेस जो सीखने की कोशिश करते थे वो बहुत मुश्किल होती थी। हम अपनी मदर टंग तो आसानी से इस्तेमाल कर लेते थे मगर जो दूसरे लैंग्वेजेस होती थी उनको सीखना इतना आसान नहीं होता था, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता था। मगर अब टेक्नोलॉजी की वजह से ये मुश्किलें दूर हो चुकी हैं, अब कोई भी लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल काम नहीं रहा है। इवन अभी तो आपको कंप्यूटर ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप जो है किसी भी लैंग्वेज को आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में। मींस ट्रांसलेशन का मसला हल हो चुका है, ग्रामर चेकिंग और का मसला हल हो चुका है। अब कंप्यूटर आपके टेक्स्ट को खुद बनाता है, अगर उसमें ग्रामेटिकल या और कोई मिस्टेक्स हैं तो वो खुद बनाता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही तरक्की हुई है। अभी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं या नेचुरल लैंग्वेजेस जो हैं वो डिजिटल हो चुकी हैं, मीन्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। लैंग्वेज इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा काम हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेजेस पे नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक बहुत काम हो रहा है, कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले जो हम रब्ता करते थे वो किसी रेट खत के जरिए करते थे या तार या एक फोन के जरिए करते थे, जो अब जब हम खत भेजते थे तो वो बहुत टाइम टेकिंग जॉब था। अगर टेलीफोन भी करते थे तो उसके लिए भी हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, वो भी एक मुश्किल काम था। या हम टेलीग्राम भी करते थे तो इट वॉज ऑल्सो टाइम टेकिंग। तो इसलिए हम अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से रब्ता मुश्किल से करते थे। अगर आप किसी और शहर में या किसी और कंट्री में जॉब करते हैं तो उस वक्त वो रब्ता करना इतना आसान नहीं, अलबत्त रब्ता तो था मगर वो इतना आसान नहीं था। मगर ये दौर मुख्तलिफ है, टेक्नोलॉजी ने इस दौर को मुख्तलिफ कर दिया है। अब आप ईमेल के जरिए, वीडियो का व्हाट्सएप के जरिए, स्काइप के जरिए और बहुत से सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं उसके जरिए आप सेकंड्स में अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से पूरी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हैं। और होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए से है कि जैसे आप एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं, वीडियो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया है कि कोई दूरी महसूस नहीं होती है। तो ये भी सब जो है इस तेज तरीन जो है टेक्नोलॉजी की वजह से अब लोग जो है जो रबते हैं वो इन टेक्नोलॉजी के औजारों के जरिए करते हैं और ये सस्ता है। पहले ये रबते बहुत महंगे थे मगर अब बहुत सस्ते हो चुके हैं, इसीलिए जो अभी टेक्नोलॉजी एक तब्दीली का रीजन बन चुकी है। इस दुनिया में जो तब्दीली आ रही है वो टेक्नोलॉजी उसका एक सबब है। टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से एक ये बात भी सामने आई है कि जो हम पहले चीजें खरीद करते थे या खरीद की हुई तो वो थोड़े टाइम में चेंज हो रही है। मगर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अर्सा पहले एक VCR का दौर था, लोग VCR परचेज करते थे या किराए पे लेते थे और इससे VCR कैसेट के जरिए वो डिफरेंट टाइप के वीडियोस, फैमिली वीडियोस, मूवीज और वो देखते थे, या जो ऑडियो कैसेट की वजह से जो है वो अपने पसंद के फनकारों को सुनते थे और वो ऑडियो कैसेट ले आते थे। मगर ये दौर चेंज हो चुका है, अभी ये सारी चीजें आपको मोबाइल में मिल जाएंगी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हर चीज आपको उसमें मिल जाएगी। इससे ये होता और उनमें रैपिड चेंजेस भी आ रही हैं, जो आज आपने चीज ली कल जो चीज आई जो टूल आएगा टेक्नोलॉजी का वो उससे अपग्रेडेड होगा, जो आप मजबूर करेगा कि आप जो प्रीवियस आपका टूल है उसको आप चेंज करें। तो ये भी एक हुआ है कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से चीजें रैपिडली चेंज हो रही हैं और इनकी कीमत पे भी असर पड़ रहा है। पहले ये चीजें लेना बहुत महंगी होती थी और ये अब आसान हो गई है। मतलब आपने थोड़े अमाउंट में एक मोबाइल ले लिया, आपको पूरी फैसिलिटीज देगा, स्मार्ट टीवीज आपको ये सारी चीजें मुहैया कर रही हैं, इंटरनेट वाईफाई ये सब आपको फैसिलिटीज मुहैया कर रही हैं। तो ये सब जो है छोटे टाइम में थोड़े टाइम में जो है ये सारी चीजें हो रही हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है जिसने दुनिया को बड़ा चेंज कर दिया है और दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है, ये इसने राब्तों का एक जाल बिछा दिया है, नेटवर्क कर दिया है, जिसकी वजह से और उसमें उन्होंने जिद्दत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उन जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें एक जिद्दत पैदा की है, जिसके जरिए जो है लोग मुख्तलिफ किस्म की जो मशीनें हैं, मीन्स कंप्यूटर मशीन वगैरह जो है, एक दूसरे से पूरी दुनिया में सेकंड्स में वो रब्ता कर लेती हैं। तो ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मीडिया के जो मुख्तलिफ किस्म है वो भी ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, इसके जरिए जो है दुनिया की में जो भी वाकयात हो रहे हैं उसकी फौरन न्यूज पहुंचा रहे हैं। इवन जो सोशल मीडिया टूल्स है वो सेकंड्स में वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो पहले नामुमकिन थी, मगर अभी आप दुनिया में कहीं भी हैं मगर आपको पूरी दुनिया का पता चलता है कि इस वक्त दुनिया के किस शहर, किस मुल्क के किस शहर या किस देहात में, किस गांव में क्या हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपको पूरी का पूरा एक स्ट्रक्चर मुहैया कर रही है, नेटवर्क मुहैया कर रही है और नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो है दुनिया में बहुत बड़े नेटवर्क कायम हो रहे हैं। इसी जैसे कंप्यूटर साइंस मुख्तलिफ किस्म के, जबकि जो कंप्यूटर साइंस भी है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर बना के इन नेटवर्क्स को और स्ट्रांग और स्ट्रांग कर रही है और इनमें एक जिद्दत पैदा कर रही है और आपके मुख्तलिफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे जितने भी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम है उनको ये सॉल्व कर रही है। इसके अलावा जो हमारे बिजनेस हैं उनको ये आईटी बढ़ा रही है, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, इस तरह और बहुत से जो है बिजनेस को ये इम्प्रूव कर रही है, उनको डेवलप कर रही है। इवन बैंकिंग को इन्होंने ई बैंकिंग कर दी है, ई ट्रांजेक्शन मीन जो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी बैंक में जाए, आप अपने मोबाइल फोन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पैसे वसूल कर सकते हैं, अगर कोई आपको भेजता है तो सब आपके हाथ, बैंकिंग आपके हैंड में है। तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आईटी कि आईटी ने इतनी दुनिया में जिद्दत पैदा की है और हमें इनेबल किया है कि हम अपने घर में बैठ के ये सारे काम कर पाए। इसके अलावा जो है टेक्स्ट पे, डेटा पे जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी का बहुत बड़ा रोल है। अभी तो लैंग्वेज के हवाले से इतनी तरक्की हुई है कि अब जो भी टेक्स्ट है वो एनालाइज हो जाए, या आपका अगर कोई पसंद का फनकार है कंप्यूटर को उसकी डेटा दे के ट्रेन करें तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो वो कंप्यूटर उस फनकार के आवाज में आपको जो है एक न्यू सॉन्ग सुनाएगा, या अगर कोई पोइट है आपके पसंदीदा उसकी पोइट्री आप उसमें कंप्यूटर को ट्रेनिंग कराएं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के जरिए, तो कंप्यूटर उसी पोइट के फॉर्म में जो है पोइट्री करेगा। तो आईटी जो है बड़े रैपिडली चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है और वो दुनिया को चेंज कर रही है। ये जो मौजूदा दौर है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चौथा इंकलाब है, रेवोल्यूशन है जो टेक्नोलॉजी का दौर है। इस फोर्थ रेवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री जो है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का दौर है जिसने दुनिया में एक इंकलाब बर्पा किया है। उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायो टेक्नोलॉजी और बहुत से आपके इंजीनियरिंग की जितने भी डिसिप्लिन हैं ये सब इन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। इवन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्होंने दुनिया में तेजी से तब्दीली लाई और दुनिया को एक नया रूप दिया है, एक आलमगीरत का रूप दिया है। इन्होंने जो हमारे बाउंड्रीज हैं उनको वर्चुअल बना दिया है, मीन्स जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप लोकल नहीं रहते हैं, आपको किसी बाउंड्री की जरूरत नहीं है, बट आप जो है इंटरनेशनल बन जाते हैं, आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, किसी भी दुनिया के इदारे में आप दाखिल हो सकते हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक उठा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। मीन्स आप जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो आप ग्लोबल बन जाते हैं, लोकल नहीं होते। तो इट्स ये जो अभी फोर्थ रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का जो जिसको इंडस्ट्रियल इंकलाब कहते हैं, ये इसी वजह से रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ज्योग्राफी वगैरह जो है, और ये सब जो डोमेन है ये इस रेवोल्यूशन की वजह से तरक्की कर रहे हैं और दुनिया को इन्होंने बड़ा वो सुखा के रखा है। मीन्स दुनिया एक छोटी हो गई, जो इतनी बड़ी दुनिया पहले नजर आती थी अभी छोटी हो गई,
जिनको आप वर्चुअली देख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो दुनिया अभी एक विलेज बन चुकी है, ग्लोबल विलेज जिसको हम कहें, जो आप एक छोटा सा विलेज बन गया जिसमें आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं और उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग ने मौजूदा कंप्यूटिंग की जो मौजूदा कंप्यूटिंग का स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी जो है क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ये एक अलग जिद्दत पैदा कर रही है जो दुनिया को बहुत चेंज करेगी और हम हैरान हो जाएंगे कि ये दुनिया इतनी तेजी से चल रही है और इसके हैरान कुन नतीजे होंगे, मगर वो हमें एक्सेप्ट करने हैं और हमें प्रिपेयर करना है दुनिया के इस जिद्दत वाले तरीके के साथ चलने से। इस वक्त अगर हम वो देखें, नासा है, नासा और कुछ और तंजीमें जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरकीब के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, वो टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रही हैं और नए तरीके से उनको इन्वेंट कर रही हैं, जिसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए न्यू जो है टूल्स बनाए जा रहे हैं, न्यू रोबोट बनाए जा रहे हैं, जो न्यू इंटेलिजेंट सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस को, बिजनेस प्रॉब्लम्स को, नेचुरल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह जो है व्हीकल्स इंटेलिजेंट सिस्टम पे बन रहे हैं जो ऑटोमेटिक है, खुद चलती है और आपको जो भी आप उनको लोकेशन बताते हैं वो उसी लोकेशन पे आपको पहुंचाती है। तो इवन ये भी इंटेलिजेंट सिस्टम बनने का, अगर कोई ड्राइवर जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है वो चला रहा है तो वो उनको भी एवेल्यूएट करेंगे कि ये नशे की सूरत में तो नहीं है या इसको नींद तो नहीं आ रही। तो ये भी जो है टेक्नोलॉजी जो है इस लेवल पे भी अभी काम कर रही है। और रोबोटिक ने तो दुनिया में बहुत नए तरीके लाए। आप सोफिया का एग्जांपल दे, रोबोट जो है आप ये फील करेंगे कि जैसे ये ह्यूमन है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके इमोशंस, उसकी सेंटीमेंट्स वो सेम है जैसे ह्यूमन के हैं। इस तरह 5G बेस्ड जो इंटरनेट है वो उस पे काम हो रहा है जो 4G से 40 टाइम्स ज्यादा है स्पीड में, मींस वो स्पीड 5G जो है 40 टाइम्स मोर स्पीडी है आप हमारी 4G से, 4G जो इंटरनेट है जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह जो है अगर ये 5G से क्या होगा कि हमारे जो कम्युनिकेशन है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट या कुछ सेकंड लग रहे तो वो इससे और ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके अलावा जो डेटा है या और हमारे टूल्स हैं वो इसमें और फास्ट काम करेंगे। इस तरह डेटा को स्टोर करने के लिए 3D स्टोरेज पे काम हो रहा है जो स्टोरेज को और मौसर कर रहे हैं और जिसमें हम बहुत सी ज्यादा डेटा, अभी तो हम एक महसूस लिमिट पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद वो अनलिमिटेड हो जाएगा, हम बहुत डेटा उसमें स्टोर कर पाएंगे और ये स्टोरेज ऑनलाइन होगी, इसलिए हमें ये फायदा है। स्टोरेज तो अभी भी ऑनलाइन है, अभी भी हम ये कर सकते हैं कि भाई वी डोंट नीड टू टेक एनी फाइल और USB और हार्ड ड्राइव एंड सो ऑन। हम क्या करें, जस्ट अपनी डेटा जो है ऑनलाइन स्टोर करें और दुनिया में हम कहीं भी जाएं वहां जाके हम लॉगिन होके वो डेटा डाउनलोड करें, वो प्रेजेंटेशन डाउनलोड करें। तो हमें अभी कोई फाइल उठाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई USB या हार्ड ड्राइव या CD ड्राइव उठाने की जरूरत नहीं है और हमें ये भी अभी परेशानी नहीं है कि मेरी डेटा या मेरा फाइल या मेरे डॉक्यूमेंट चोरी ना हो जाए, क्योंकि अभी वो ऑनलाइन है और उस पर पासवर्ड है, उस पर डबल वेरिफिकेशन है तो कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, अब वो बहुत महफूज है। तो जो 3D हमारी स्टोरेज है ये तो आपको और ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है। इसके अलावा जो है बायोफ्रीजर्स पे काम हो रहा है, बायोफ्रीजर के जरिए अभी ये होगा कि वो तो बिजली बहुत कम आपकी जो है रहेगी, क्योंकि उसमें जेली है और उसमें हमें जस्ट चीजें रखनी है और वंस जेली आपकी कूल हो गई तो वो बहुत टाइम कूल रहती है और आप जो फ्रिज है वो आप एनर्जी जो हमारी पावर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है वो हमारी बचेगी और जो दुनिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम खत्म हो गए। तो वो बायो फ्रीजिंग पे काम हो रहा है, जेल पे काम हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से है।
दुनिया में एक और नया बहुत अच्छा काम हो रहा है जो ऑक्सीजन के इंजेक्शन डेवलपमेंट पे हो रहा है। ऑक्सीजन की डिफरेंट टाइप के इंजेक्शन बन रही हैं जो पेशेंट उनको पेशेंट को जिनको भी है प्रॉब्लम्स है वो ऑक्सीजन के इंजेक्शन लगेंगे, जिससे बहुत से हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। या अगर कहीं हम इस तरह के बंदा जो टारगेट पे काम करता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहाँ भी वो उनको बूस्टअप करेगा ये इंजेक्शन। तो ऑक्सीजन इंजेक्शन बन रहे हैं जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें दुनिया और तरक्की करेगी। इसके अलावा जो है इनको टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्टेशन और आसान करने के और पोल्यूशन को खत्म करने के लिए वाटर बेस्ड टनल बनाई है, और उन टनल्स में लाइक दिस आप देखें कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगी कि जिसमें एक तो ट्रांसपोर्टेशन वो सेफ होगी, कोई उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, और बहुत स्पीडी होगी क्योंकि वो वाटर में अंदर होगी तो कोई बैरियर नहीं होगा। ये देखिए बंद है टनल, और वो थोड़े टाइम में अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी, और बड़ा एक नेचुरल व्यू भी होगा एंड पोल्यूशन नहीं होगा। वो इलेक्ट्रिक बेस्ड जो हमारे व्हीकल्स वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इन्वेंशन है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, फील्ड है टेक्नोलॉजी है या जो मॉडर्न एज है इसमें ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसमें टनल बेस्ड वाटर मीन्स जो वाटर में टनल्स बना रहे हैं और उस पे वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बना रहे हैं। सोशल मीडिया आप सब जानते हैं कि दुनिया को हैरान कर दिया है, दुनिया को एक ग्लोब में कन्वर्ट कर दिया है, लोगों को घर बैठे फैसिलिटेट दे रहा है। तो सोशल मीडिया की तरक्की की वजह से इस दुनिया ने बहुत तरक्की की है, और वो ये डिजिटल एज बन गई। अब लोग अपने अपनी कौम अपने मुल्क अपने समाज अपनी कम्युनिटीज को पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं, और वो अपनों से रिश्ते कर रहे हैं। उनके अभी वो जो इंसान है लोग हैं वो ग्लोबल बन गए, उनके पूरी दुनिया में दोस्त सोशल मीडिया की वजह से बन गए, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। इस तरह सोशल मीडिया की वजह से दुनिया में दुनिया की किसी भी इलाके में अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो वो फौरन पूरी दुनिया को पता चल जाता है, और बहुत से इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं जो गैर ना पहुंच लोग होते हैं जिनकी कोई पहुंच नहीं होती है, मगर जब उनसे प्रॉब्लम होता है और वो उनका प्रॉब्लम एक बार सोशल मीडिया पे आ गया तो वो इतना वायरल हो जाता है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हाँ ये हुआ है। आपने बहुत से देखे होंगे कि इतने से प्रॉब्लम सोशल मीडिया की वजह से सॉल्व हुए हैं, बट किन कंट्रीज में तो सोशल मीडिया की वजह से रेवोल्यूशन आए, वहां गवर्नमेंट चेंज हुई और नए गवर्नमेंट्स आ गई, ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुए। इस वजह में जो फेसबुक है ट्विटर है माई स्पेस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप गूगल प्लस लिंक्डइन वगैरह उनका बहुत ये जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं इनका बहुत बड़ा एक किरदार है इस दुनिया को डिजिटल बनाने में और चीजों को ऑनलाइन लाने में खबरों को ऑनलाइन लाने में। अभी जो सोशल मीडिया की वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया के सिस्टम है वो खत्म हो रहे हैं, वो अखबार हो टीवी हो और बहुत सी चीजें, क्योंकि हर चीज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। इवन यूट्यूब आप देखें आपको लाइव ट्रांसमिशन के जरिए आप वो चीजें जो आपको गवर्नमेंट टेलीविजन नहीं दिखाते हैं किसी भी कंट्री में, मगर यूट्यूब पे आप वो देख सकते हैं, लाइव वो आप कम्युनिकेशन स्पीचेस और बहुत सी चीजें सुन सकते हैं। सोशल मीडिया ने बहुत सी आसानी पैदा की है कि लोगों को नॉलेज और इंफॉर्मेशन वो मुहैया कर रहे हैं, और रबते करने में बहुत आसानी वो पैदा कर रही है। इस तरह जो सर्च इंजन्स हैं गूगल हो कोई और हो, हम वहां से बहुत सी चीजें डिस्कवर करते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो हम वहां देखें उसकी कंप्लीट नॉलेज डिफरेंट डायमेंशन से हमें पेजेस मिल जाएंगे। ऑनलाइन डिक्शनरीज ने हमारे बहुत से मसले हल किए, कोई भी वर्ड हमें ना आए हम देखें उसकी फौरन मीनिंग आ जाएगी, मीन हमें ये नहीं है कि वो डिक्शनरी खोलें पेज ढूंढें वर्ड ढूंढें, तो यहाँ तो आपको एक वर्ड की इतने एग्जाम्पल से मीनिंग आ जाएगी आप आसानी से वो वर्ड समझ पाएंगे। या कोई भी आपको वो एजुकेशन का प्रॉब्लम है कोई टर्म है सोशल प्रॉब्लम है व्हाट सो एवर आप जस्ट वो गूगल करें या किसी भी सर्च इंजन में देखें उस पर फुल डिटेल आपको आ जाएगी। विकिपीडिया आपको एक इंसाइक्लोपीडिया की सूरत में बहुत सी नॉलेज दे रहा है, उसकी हिस्ट्री उसके डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट की कंप्लीट आपको
विकिपीडिया दे रही है और बहुत से और भी इंसाइक्लोपीडिया के सोर्सेज है जो आपके दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो सोशल मीडिया हुई है, सोशल मीडिया है वो बूस्टअप हुई है और लोगों को मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे रही है और इसको इनेबल कर रही है वो कुछ करें। इस तरह इसी सोशल मीडिया की वजह से ऑनलाइन बिजनेस में बहुत डेवलपमेंट हुई है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो अपना एक पेज बनाते हैं और उस पर अपने जो प्रोडक्ट है वो रखते हैं और लिटिल इन्वेस्टमेंट में वो बहुत कमाते हैं और पूरी दुनिया उनकी कस्टमर है। मीन अगर आप ट्रेडिशनल शॉप खोल रहे हैं तो वो आपके एक मोहल्ले की शॉप होगी, एक मार्केट की शॉप होगी, एक सिटी की शॉप होगी। मगर अगर आप सोशल मीडिया पे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो देट आपके जो कस्टमर्स हैं वो पूरी दुनिया में होंगे, आपको पूरी दुनिया से कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, तो आपका जो बिजनेस है वो ग्लोबल हो जाता है। तो ये भी जो है सोशल मीडिया की वजह से ही है। मुस्तकबिल में जो हम अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो मशीनरी है ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और तेजी से डेवलपमेंट हो रही है जो दुनिया के स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। ये तब्दीली इतनी बड़ी होगी कि शायद मौजूदा दौर का इंसान इसको ना माने मगर ये फैक्ट है, ये हकीकत है, हमें माननी होगी और हमें इस सवाल से खुद को प्रिपेयर करना होगा। इसलिए हम जो अपने जो न्यू जनरेशन है इसको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ मायल करें और उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दिलाएं, स्किल डेवलपमेंट पे उनको स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज है वो कराएं ताकि वो दुनिया को समझ पाएं, टेक्नोलॉजी की अहमियत समझें और उसके मुस्तकबिल को समझें और वो खुद को ग्रूम करें कि भाई हमें इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलना है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज टोटली डिफरेंट देन द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में ये जो तेजी से डेवलपमेंट हो रही है तो इस वक्त जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने बच्चों और नौजवानों को साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ फील्ड्स में हम उनको तालीम दिलाएं, ट्रेडिशनल जो डिग्रीज है यूनिवर्सिटी डिग्रीज भी दिलाएं ताकि जो कमिंग थेरीज है या टेक्नोलॉजीज है उसको वो समझ सके। हमारा जो समाज है या मुल्क इसी बेस पे तरक्की करेगा अगर हम टेक्नोलॉजी में स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, अपनी न्यू जनरेशन को स्पेशली आगे लाएंगे, अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को या हम खुद को इम्प्रूव करेंगे इस करंट टेक्नोलॉजी की वेव के साथ। अदरवाइज जो है हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे और अगर पीछे रह गए तो हम बहुत पीछे हो रह जाएंगे क्योंकि यहाँ तो सेकंड्स में चेंजेस आ रही हैं, इतनी तेजी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है कि अभी हम पीछे रहने का सोच भी नहीं सकते हैं। ये वक्त इस वक्त अगर सबसे ज्यादा सीरत का या बिजनेस का जो है वो टेक्नोलॉजी, अगर हमारे बिजनेसमैन और जो कैपिटलिस्ट है वो अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में करें उससे फायदा ये होगा कि हमारी सोसाइटी भी डेवलप होगी, हमारी सिटीज भी डेवलप होंगे, हमारा कंट्री भी डेवलप होगा और हमारे जो नौजवान हैं उनको वहाँ जॉब भी मिलेंगे जिससे ऐसे हमारी जो है सोशल डेवलपमेंट भी होगी और अपने जो यहाँ जो क्राइम है बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हमें चाहिए हम इस तरफ आए, इस तरफ सोचें और खुद को अपग्रेड करें। गवर्नमेंट को भी इस तरफ सोचना चाहिए, वो भी जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है जैसे एग्रीकल्चर का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, फाइनेंस का सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम है, इन सबको वो ऑनलाइन करें, टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और दुनिया के साथ चलें। गवर्नमेंट को भी रीजन लोकल होके नहीं बनाना है बट ग्लोबल होके अपना विजन बनाना है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें क्या करना है। अगर ये नहीं किया तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमारा विजन भी अभी चेंज होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, नॉट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अवर लोकल एरिया या लोकल जो प्रॉब्लम है। अभी लोकल प्रॉब्लम नहीं रहे, अब अगर हम विद इन बाउंड्रीज ही हम सोचने लगे तो वी विल नॉट रन विद द फास्ट रनिंग बर्ड। हमें आलमी दुनिया को देख के अपने बनानी है और ये लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आलमी समझ के उनके मुताबिक अपना विजन बनाना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो ऑन द सिग्निफिकेंस एंड फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। उम्मीद का आपको ये पसंद आया होगा और थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर मार्क करें ताकि फ्यूचर में जो हमारे लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। ये एजुकेशनल चैनल है तो मेरे लेक्चर सारे एजुकेशन पे होंगे, टेक्नोलॉजी पे होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे होंगे और ग्लोबलाइजेशन पे होंगे, ताकि मकसद क्या है, हम खुद को इनेबल करें और दुनिया के साथ चल पाए। आप अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।